आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। मेरा एक और सवाल भी है। करो, चलो मैं नहीं करता, तुम कर दो। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, चैलेंज। को मीठी मीठी गल्ला भी कराया करो। है तो तू वैसे शह कोई नहीं। कैसी चीखें निकल रही हैं? पर चंद एक जो तेरे लपाटे हैं। मैं तनु लान कह रही है, अपनी जबान लगाम दे रहा है। उन कमीनों को भी फक्की देनी है ना जी। हाँ जी, ये फक्की शरीफ जेलम तो ही मिलती है। मैं चैलेंज करता हूँ, इधर देख। साड़ी मर्जी। रफा यदन हम भी करते हैं। माशाल्लाह। ऐसे किया और हाथ बांध लिए, बस। तेरी माँ तुझे रोए। लेकिन तेरा सवाल ये है कि जब रुकू में जाओ तब भी करो, रुकू से उठे तब भी करो। मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, बुजुर्गों ने फरमा दिया। मैंने कहा मैं तुझे बुखारी से हदीस दिखाऊंगा और मुस्लिम से। कुरानो हदीस देखी तू, तुहाड़ा के कुरानो हदीस ना लेना देना है। दो किताबों के हवाले। वैसे नसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, वदीकर कुतुब सब में है। फिर टाइम क्या मत आके। लेकिन मैंने कहा सिया सित्ता सामने छह किताबें रखी हैं ना, मैं ऐना नु मानना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बेगैरता तू नहीं मानता है। मौलाना शरीफ को मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से बाहर निकाले। मैं कहता हूँ अगर हलाली है तो खोल। पढ़ तो सही गधे। जैसे शुरू में रफा यदैन है, इसी तरह रुकू के बारे में भी है। आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूँ। इसी तरह फरमाया, जब नबी पाक सजदा के लिए जाते थे तब भी रफा यदैन करते थे, जब सजदा से उठते थे तब भी रफा यदैन करते थे। आया दौड़ दले तू। कोई ना कोई इंजीनियर साहब तुम्हें पता चक कैसा पाते ने ना। जा, मेरा चैलेंज है, बता के हदीस में है कि नहीं है। आए नहीं मैदान में, ये फंस गया सी है। सहाबा इकराम से सजदों के दरमियान रफल यदैन करना साबित है, लिहाजा हम इसको जायज समझते हैं। मैं खुद भी कर लेता हूँ, हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ लेता हूँ। इब्ने जुबैर का मुसन्नफ इब्ने शैबा में मौजूद है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे। तो सजदों के रफल यदैन पे जुज जो रफल यदैन इमाम बुखारी की किताब है, वो मैंने अपने पॉम्फलेट पर भी उसका रेफरेंस लिखा है, 105 नंबर, के अनस इब्ने मालिक दोनों सजदों के दरमियान भी रफल यदैन करते थे। अगरचे इमाम बुखारी ने इसके साथ लिखा है कि इससे ज़्यादा बेहतर अमल वो है जो नबी अलैहिस्सलाम से मरफून साबित है। उन्होंने उस अमल को गलत नहीं कहा, इमाम बुखारी ने उसको जायज समझा है। लेकिन इमाम बुखारी का मौकफ यह था कि सजदों में रफल यदैन ना करना बेहतर है, सुन्नत तरीका वो है। हमारे नज़दीक यह है कि जब कोई सहाबी भी अमल कर देना और दूसरा सहाबी मुखालफत ना करे तो वो भी सुन्नत मानी जाएगी। तो सजदों में रफल यदैन अगर कोई कर लेता है तो बिल्कुल जायज है। और झूठे गद्दार और जाहिल, बता ये है कि नहीं है? 1200 साल में इन्होंने जितनी इज्जत अवेल की थी ना, 12 साल के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी मट्टी पलीद करके रख दी है। कितनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ दी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और वहां कहते नहीं, ये है तो सही, हदीस में तो है, मनसूख हो गया है। तो लानत है ऐसी समझ के ऊपर। तो मैं कह फिर तू बुखारी वाली हदीस नमाज पढ़ता पे है। पहली चीज की अकल ही कोई नहीं, अकल ना दी शाह ही कोई नहीं है। ओ जाहला, बकवास बंद कर।